नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में पेट्रोल डीजल पर ज्यादा वेट के खिलाफ पेट्रोल पंप संचालकों ने सांकेतिक हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल की वजह से प्रतिदिन फ्यूल भरवाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आज केवल कंपनी पेट्रोल पंप खुले हैं, इसी वजह से कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार लगी हुई है। बता दें कि इमरजेंसी सेवाओं का छोड़कर किसी भी वाहन में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। वहीं हड़ताल से पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने वालों की भीड़ नजर आई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने और पार्टी को लेकर दिए गए विवादास्पद बयानों के बाद कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया, लेकिन इस बीच मेघवाल ने पार्टी में ऊपर से लेकर नीचे तक गुटबाजी का दावा कर राजस्थानी बीजेपी में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मेघवाल ने बुधवार को राजधानी जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात रखी और पार्टी में चल रही गुटबाजी का खुलेआम खुलासा भी किया। कैलाश मेघवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान खबर आई कि उन्हें पार्टी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। पावटा में तीजों का जोड़ा बचाओ संघर्ष समिति के नेतृत्व में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी को ग्रामीणों ने तीजों का जोड़ा हो रहे अतिक्रमण को लेकर जोड़ में सार्वजनिक पार्क बनाने के लिए ज्ञापन सौंपा। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार निर्माण कार्य निषेध है। जोड़ में अवैध कब्जा करके लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका विराटनगर की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा बोर्ड व तारबंदी को हटाकर नष्ट कर दिया। पालिका अध्यक्ष ने इस भूमि पर सार्वजनिक पार्क बनवाने का ग्रामीणों को आश्वासन दिया। कलेक्टर शुभम चौधरी ने कहा कि वहां मौजूद एसडीएम विराटनगर मूलचंद लुनिया को तुरंत एक्शन लेने के लिए निर्देशित किया। दौसा से खबर, जहां जिला मुख्यालय पर हिंदी दिवस के अवसर पर देवगिरी साहित्य व शोध संस्थान द्वारा सरस्वती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय दौसा के सभागार में छात्र छात्राओं के साथ हिंदी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा हिंदी कविता, दोहे, गजल, शायरी में विभिन्न प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम से पूर्व देवगिरी साहित्य व शोध संस्थान की संस्थापक व अध्यक्ष व कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर निर्मला शर्मा रही। आयोजन में सरस्वती महाविद्यालय का समस्त स्टाफ, राष्ट्रीय कवि चौपाल के पदाधिकारी, आजाद कलाम मंच के पदाधिकारी, डोमिनेट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश गौतम उपस्थित रहे। शाहपुरा में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार के शंखनाद को लेकर भाजपा द्वारा निकाली जारी परिवर्तन संकल्प यात्रा गुरुवार को शाहपुरा विधानसभा में पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने नगर के अनेकों स्थान पर यात्रा को रोककर स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने बनेड़ा चौराहे, तस्वीरिया डूंगरी चौराया, चार मिल चौराया, टोल नाका, उम्मेद सागर चौराया, त्रिमूर्ति चौराया, चमना बावड़ी सहित बाजारों में स्वागत किया। यात्रा मेलों के चौक में पहुंचने पर यात्रा आम सभा में परिवर्तित हो गई और सभा को संबोधित करते हुए खेल व सूचना प्रसार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को कोसते हुए राजस्थान की सरकार पर भी जमकर कोसा। फुलेरा कस्बे के तेजाजी चौक में स्थित सामुदायिक भवन में गुरुवार साय 6 बजे राजभाषा दिवस प्राइवेट टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिओम शर्मा की अध्यक्षता में मनाया। तत्पश्चात संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और हिंदी विषय के प्रखंड ज्ञाता क्षेत्र में गुरुजी के नाम से मशहूर परमेश्वर गांधी के नेतृत्व में हिंदी भाषा की महत्वता के विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि हम हिंद देश के निवासी हैं और हिंदी हमारी पहचान है। अगर हम सब मिलकर संयुक्त रूप से प्रयास करें तो हिंदी एक दिन विश्व भाषा जरूर बनेगी।
कोलायत में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी गुरुवार को विधानसभा क्षेत्र कोलायत के गांव राणा सामरसर में हरी कंकेड़ी धाम ट्रस्ट द्वारा आयोजित जांबानी साहित्य पुरस्कार वितरण व सम्मान समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री भाटी ने प्रथम द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले कनिष्ठ और वरिष्ठ विद्यार्थियों और राजकीय सेवा में चयन होने वाले विभिन्न प्रतिभाओं को मेडल मोमेंटो और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में ऊर्जा मंत्री भाटी ने गुरु जम्बेश्वर के प्रेरणादायी 29 नियमों को आमजन को आत्मसात करने और आह्वान किया और कहा कि गुरु जम्बेश्वर हरे वृक्षों को काटने व जीवों की हत्या को पाप मानते थे। फुलेरा में श्री कृष्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के 11वें स्थापना दिवस के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहे। विश्वविद्यालय के सफल अनुसंधान उच्चतर शिक्षा व प्रसार तकनीकियों के बारे में जानकारी देते हुए इसके बारे में अवगत करवाया, साथ ही वैज्ञानिकों के अच्छे कार्य के बारे में स्मार्ट क्लासरूम साथी डॉक्टर बलराज सिंह ने बताया कि राजस्थान जो गेहूं दलहन मसाला फसलों के रिसर्च में जोबनेर विश्वविद्यालय अग्रणी है। इस उपलक्ष्य पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विश्वविद्यालय नवीन वेबसाइट का रिमोट दबाकर विमोचन किया, लेकिन धनखड़ ने विश्वविद्यालय की चतुर्थ वर्ष की छात्रा रक्षिता जाखड़ से रिमोट का बटन दबाकर खुशी जाहिर की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पेट्रोल पंपों की हड़ताल को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर जानकारी साझा की कि वसुंधरा राजे ने लिखा कि पेट्रोल पंपों की हड़ताल को 2 दिन हो गए, जनता खासा परेशान है, लेकिन बैरी कांग्रेस सरकार के कानों में जमा मेल पिघल नहीं रहा, वह सुन नहीं रही। पेट्रोल पंप संचालकों में सरकार स्तर पर वार्ता का कोई प्रयास नहीं किया। सरकार के इस रवैये के कारण पेट्रोल पंप संचालक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। राजस्थान के दिग्गज नेता रामेश्वर लाल डूडी का हेल्थ अपडेट सामने आया। वो अस्पताल में एक्सरसाइज तो करते नजर आए, परंतु उनको अभी होश नहीं आया। दरअसल 27 अगस्त 2023 को सुबह 9 बजे रामेश्वर जूडी को अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया था। पहले उनको निजी अस्पताल ले जाया गया, फिर जयपुर के स्वाभिमान सिंह अस्पताल, फिर वहां रामेश्वर लाल जूडी को रविवार सुबह 9 बजे अचानक ब्रेन हेमरेज की शिकायत हुई। जयपुर में तबियत में सुधार न होने पर तीसरे दिन ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किया। तब से मेदांता में उनका इलाज चल रहा है। चुरू से कांग्रेस नेता विकास मील ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, साथ ही लिखा कि आज का दिन 40 मिनट फिजियोथेरेपी, रामेश्वर जी डूडी साहब की प्रिय एक्सरसाइज साइकिलिंग जो कि स्वचालित है, होश में आने का अभी भी इंतजार है। बता दें कि 1 जुलाई 1963 को जन्मे रामेश्वर लाल डूडी राजस्थान के बीकानेर की नोखा तहसील के गांव बीरमसर के रहने वाले हैं। रामेश्वर लाल डूडी की शादी सुशीला देवी से हुई, उनके एक बेटा व 2 बेटियां हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।